हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे, और कुछ उसमें क्वेश्चंस में अपनी क्वेरीज भी भेजी हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, कुछ लोगों ने कहा कि क्या एग्जांपल डी इस जिसका ऑप्शन डी है, क्या ये सही नहीं हो सकता है? तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ विंटर पर्सन डाइड ड्यूरिंग स्लीप, द रूम वॉज क्लोज्ड एंड अ कंटेनर विद बर्न चारकोल वॉज फाउंड इन द रूम, वाट मे बी द पॉसिबल रीज़न फॉर हिज डेथ? इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी के मौसम में एक आदमी सोते हुए मर गया और उसके कमरे में एक कंटेनर मिला जिसमें कोयला जल रहा था, तो क्या कारण हो सकता है उसकी मौत का? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होना, यानी नन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। सेकेंड, हीमोग्लोबिन हैज़ मोर अफिनिटी टू कम्बाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन हैज़ more affinity to combine with carbon dioxide, combine effect of both A and B. So actually देखिए, combine effect of both A and B लगता कि यह भी एक सही option हो सकता है, but जो appropriate option होना चाहिए, क्योंकि जब oxygen हमें एकदम से गायब हो गया, unavailable हो गया, ये possible नहीं हो सकता है। उस कमरे में oxygen जरूर था, but उसका लेवल थोड़ा कम हो गया, और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की देन ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से कम एफिनिटी रखता है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ईजिली ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। सो बी ऑप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दिस सीरीज। सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ दैट शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ टिपिकल एंजाइमेटिक रिएक्शंस। यहाँ पे चार ग्राफ हैं, बस ग्राफ में ही आपको आंसर छिपा हुआ है। ये बताना है कि एंजाइम रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा ग्राफ इसमें से कौन सा है, कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ए ग्राफ में ये शो किया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे एंजाइम रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती है एक सर्टन लेवल तक, जिसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। बी ग्राफ में वेलोसिटी शुरू शुरू में स्लो रहती है, फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आके बहुत फास्ट होती है, उसके बाद फिर एक जैसी हो जाती है और पैरेलल रन करती है टेम्परेचर के। सी ग्राफ में ये शो किया गया है कि शुरू शुरू में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पे एकदम पीक पे जाती है, और उसके बाद पैरेलल ना होने के बजाय सीधे सीधे डाउन होना शुरू हो जाती है, और फाइनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पे एंजाइमेटिक रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। डी ग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एकदम स्लोप बन गया है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर आ जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम वर्क नहीं करते, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। 37 to 38 डिग्री सेल्सियस, 37 to 38 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका पीक टेम्परेचर कह सकते हैं, इस पे एंजाइम सबसे अच्छे वर्क करते हैं, सबसे बेस्ट इनकी पोजीशन होती है, वर्किंग पोजीशन। आफ्टर दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये डी नेचर होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन होते हैं, तो जैसे ही हम 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हैं ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनका फंक्शन ज़ीरो हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अल नीनो ये है क्या एक्चुअली। तो अल नीनो और ला नीना, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, अल नीनो एंड ला नीना ये दो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट होते हैं जो ओशन की वजह से होते हैं, और इनको चाइल्ड ऑफ द गॉड कहा जाता है। अल नीनो की इफ़ेक्ट की वजह से होता ये है कि अचानक से क्लाइमेट में चेंजेस आने लगते हैं, कहीं बहुत भयंकर बाढ़ आती है और कहीं पे एकदम सूखा पड़ने लगता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन गिवन हैं, जैसे ओजोन का इकट्ठा होना, आइस का बनना पोलर पे, ह्यूमन सेटलमेंट का बढ़ना, इसके बजाय टेम्परेचर राइज लेड टू द ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस, सबसे बेस्ट ऑप्शन ए वाला है, इसीलिए अल नीनो के लिए ए वाला आंसर सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेरी है क्वेश्चन नंबर 74 से।
If the sequence of bases in the coding strand of DNA is A, T, T, C, G, A, T, G, then the sequence of bases in mRNA will be, option यहाँ पे दिया है, T, A, A, G, C, T, A, C, U, A, A, G, C, U, A, C, A, T, T, C, G, A, T, G, A, U, U, C, G, A, U, G. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब mRNA में यानी RNA में जब DNA से स्ट्रैंड्स बनते हैं तो DNA के अपोजिट सीक्वेंसेस में पेयरिंग बनती है बेस पेयर्स में, और वो होता है A के अपोजिट में U, T के अपोजिट में A, C के अपोजिट में G, G के अपोजिट में C, फिर A के अपोजिट में U, T के अपोजिट में A. अब इसी को हम मैच कराते हैं. A के अपोजिट में T है, नहीं ये DNA में पॉसिबल है, यहाँ A है ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ A आ गया, अगेन इट इज़ इम्पॉसिबल. सो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है. अब बचता है केवल B ऑप्शन. A के अपोजिट U पेयर हो रहा है, T का कॉम्प्लीमेंट A, A देन C का G, फिर G का C, A U T A G C. सो B यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 74 का. देन एल्बिनिज्म के बारे में भी लोगों ने पूछा था कि ये 75 का ऑप्शन A गलत है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. टायरोसिनेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ही एल्बिनिज्म होता है डिजीज़. इसमें होती क्या है कि स्किन बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, पूरा स्किन क्या पूरी बॉडी वाइट हो जाती है और धूप सहने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, तो ये टायरोसिनेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है. आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चंस के लिए क्वेरीज आए थे. थैंक यू.